गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग केमिस्ट्री में हम लोग जो पढ़ रहे हैं अल्कली मेटल्स, इसमें हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे। और आई होप वीडियो अगर देखा होगा तो हम लोगों उसमें हमने जो है कि नेचर सॉल्युबिलिटी इन द लिक्विड अमोनिया, कि कौन सा अल्कली मेटल लिक्विड अमोनिया में सॉल्युबल होता है, क्यों सॉल्युबल होता है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस किया था। यार ये कौन जो एल्कली मेटल होते हैं लिक्विड अमोनिया में सॉल्युबल होते हैं, और लिक्विड अमोनिया में जब हम इसको ऐड करते हैं एल्कली मेटल को, तो जो सोल्यूशन होता है वो डीप ब्लू हो जाता है। तो डीप ब्लू होने के पीछे रीजन हमने ये बताया कि जब हम लिथियम या कोई भी एल्कली मेटल को हम लिक्विड अमोनिया के अंदर जब डालते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है और एक फ्री इलेक्ट्रॉन बचता है। जो फ्री इलेक्ट्रॉन बचता है उसको अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसको हम अमोनिएटेड कैटायन बोलते हैं। जो फ्री इलेक्ट्रॉन बचता है उसको हम बोलते हैं अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, और जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसे हम कहते हैं अमोनिएटेड कैटायन। देखो कैसे कहते हैं, हमारा यहाँ कहने का मतलब है कि एक ये यूनिक प्रॉपर्टी है एल्कली मेटल की, कोई भी एल्कली मेटल है यहाँ पे एक्स प्लस वाई अमाउंट में अमोनिया जब हम मिक्स करते हैं, अमोनिया मिक्स करते हैं तो यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बनता है, और ये कॉम्प्लेक्स जो होता है NH3X+ और प्लस जो है इलेक्ट्रॉन NH3Y-। ओके, मतलब केटायन और एनायन दोनों बनते हैं, लेकिन जो ये एनायन है वो इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद जो है वो रेड रीजन की लाइट को एब्जॉर्ब करता है विजिबल स्पेक्ट्रा में, और उसकी वजह से वहां पे ब्लू कलर वो देना शुरू करता है। ठीक है, ब्लू कलर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है तो इसलिए इसकी वजह से वहां पे ब्लू कलर आता है। तो खैर ये हमने देख लिया। उसके बाद हमने देखा था नेचर ऑफ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट्स। ठीक है, लिथियम कार्बोनेट को छोड़ करके बाकी जितने भी कार्बोनेट हैं वो कभी भी बर्न करके कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देते हैं, लेकिन जो लिथियम कार्बोनेट है वो बर्न करके जो है लिथियम ऑक्साइड और लिथियम कार्बोनेट देता है। ठीक है, और जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ अल्कली मेटल कार्बोनेट की जो थर्मल स्टेबिलिटी, यानी कि जब हीट करेंगे तो कौन बर्न करेगा कौन नहीं बर्न करेगा, इसका जो ऑर्डर है अक्सर एंट्रेंस वगैरह में भी पूछ देता है, और तुम्हारा जो है कि आमतौर पे पेपर में भी ये पूछ लिया जाता है क्योंकि ये बच्चे याद नहीं करते हैं। ठीक है, इसमें अगर देखा जाए तो स्टेबिलिटी लिथियम कार्बोनेट की जो स्टेबिलिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, बहुत कम होती है। ठीक है, इन कंपैरिजन टू सोडियम कार्बोनेट और इन कंपैरिजन टू पोटेशियम कार्बोनेट, देन रुबिडियम कार्बोनेट, CU3 और उसके बाद सीजियम कार्बोनेट। सबसे ज्यादा स्टेबल होता है सीजियम कार्बोनेट और सबसे लेस स्टेबल होता है लिथियम कार्बोनेट। तो ये ऑर्डर ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है कि विच वन अल्कली मेटल कार्बोनेट इज लीस्ट स्टेबल एंड विच वन इज द मोस्ट स्टेबल। ओके, तो ये सब जो चीजें हैं ऑर्डर वाले इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे बाइकार्बोनेट्स के बारे में।
नोट कर लिया है। मेटल अब हम लोग देखेंगे कि जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं सारे अल्कली मेटल कार्बोनेट जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं और जब बर्न करते हैं तो सब बर्न करके कार्बोनेट देते हैं। क्या देते हैं? कार्बोनेट देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी नोट करना है। ऑल अल्कली मेटल बाइकार्बोनेट सॉलिड एंड ऑन हीटिंग गिव कार्बोनेट ब्रैकेट में लिख देंगे एक्सेप्ट लिथियम कार्बोनेट विच एग्जिस्ट इन सॉल्यूशन। सभी तो सॉलिड स्टेट में होते हैं मगर यही लिथियम कार्बोनेट जो है वो एक तरह से सॉल्यूशन में पाया जाता है। अब ये एबनॉर्मल बिहेवियर होता है लिथियम कार्बोनेट का और ऐसा ये क्यों करता है ये सारी चीजें हम आगे अभी एबनॉर्मल बिहेवियर आप लिथियम पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो जितने भी बाइकार्बोनेट्स होते हैं सपोज कोई ये सोडियम बाइकार्बोनेट है NaCl3, इसको जब हीट करेंगे तो ये बना देगा Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, तो जितने भी बाइकार्बोनेट है सभी बर्न करके कार्बोनेट देंगे और इस तरह से जो सॉलिबिलिटी ऑफ बाइकार्बोनेट देखेंगे सॉलिबिलिटी ऑफ द बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनेट सॉलिबिलिटी ये सब इंपॉर्टेंट लाइन चल रही है। ठीक है, सॉलिबिलिटी ऑफ बाइकार्बोनेट्स एंड कार्बोनेट्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ओके, हम जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट की सॉलिबिलिटीज जो होती है वो बढ़ती जाती है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि सॉलिबिलिटी ऑफ बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनेट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप तो ऐसा क्यों होता है, क्या हो सकता है इसके पीछे, कोई बता सकता है? हालांकि ये बहुत हाई थिंकिंग ऑर्डर का है, फिर भी अगर कोई सोच सकता है तो बताएं। देखो हम बताते हैं, जो कार्बोनेट्स होते हैं या बाइकार्बोनेट्स होते हैं वो एज ए साल्ट के फॉर्म में होते हैं और जो साल्ट होता है वो क्या होता है, अपोजिट आयन का बना होता है। तो जहां कहीं भी साल्ट की बात होती है जहां अपोजिट आयन होते हैं वहां पे एक एनर्जी होती है, दोनों अपोजिट आयन एक दूसरे से एक एनर्जी से बंधे रहते हैं और वो उस एनर्जी को हम कहते हैं लैटिस एनर्जी या लैटिस इंथैल्पी कहते हैं और उसी लैटिस इंथैल्पी के ऊपर डिपेंड करता है स्टेबिलिटी। तब जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, लैटिस इंथैल्पी डिक्रीज होती है, साइज बड़ी होने की वजह से, मेटल की साइज बड़ी होने की वजह से लैटिस इंथैल्पी जो होती है वो
जो है कि वीक होती जाती है। फिर से एक बार सुनो, अगर एक जनरल सी बात हम सबके लिए बता रहे हैं कि कहीं भी अगर साल्ट शब्द आता है, वर्ड आता है, तो वहां पे अपोजिट आयंस होते हैं, और उन अपोजिट आयंस में जो है प्लस है और माइनस है, तो दोनों एक दूसरे से एक अट्रैक्शन फोर्स से बंधे हुए हैं। तो जहां अपोजिट आयन एक दूसरे से एक अट्रैक्शन फोर्स से बंधे होते हैं, वहां पे होती है लैटिस इंथैल्पी। वहां क्या होती है? लैटिस इंथैल्पी होती है। उस लैटिस इंथैल्पी के कारण वहां पे वो बंधे होते हैं। अब यही जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो लैटिस इंथैल्पी कमजोर होती जाती है, वीक होती जाती है, डिक्रीज करती है, तो वो सॉल्युबल ज्यादा होते जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पे साइज क्या होती है? बड़ी हो जाती है। तो डिस्टेंस दोनों के बीच में, अपोजिट आयंस के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाता है और वो इंथैल्पी कम हो जाती है। बात समझ में आ गया? ये पॉइंट सबको समझ में आई कि अगर ऐसा कोई जनरल बात आ जाती है, सॉल्युबिलिटी की बात आती है और हम साल्ट की बात कर रहे हैं, तो ये सॉल्युबिलिटी के पीछे कारण है लैटिस इंथैल्पी। अगर लैटिस इंथैल्पी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी अपोजिट आयन के बीच में, तो सॉल्युबिलिटी बहुत कम होगी। सॉल्युबिलिटी क्या होगी? बहुत कम होगी। अगर लैटिस इंथैल्पी कम होगी तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, अब इसको यहाँ पे लिख देते हैं। अगर ये हमारी बातें समझ में आए तो बार बार पूछ सकते हो, तो उस चीज को हम रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिख सकते हैं, ड्यू टू डिक्रीज इन लैटिस इंथैल्पी, इंथैल्पी डाउन द ग्रुप, ठीक है। तो अगर यहां पे हम ऑर्डर देखें तो जो लिथियम लिथियम बाइकार्बोनेट है वो मोर स्टेबल है देन सोडियम बाइकार्बोनेट। पोटेशियम बाइकार्बोनेट, रुबिडियम बाइकार्बोनेट एंड सीजियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। यानी सबसे ज्यादा अगर सॉल्युबल है तो सीजियम बाइकार्बोनेट है, और सबसे कम सॉल्युबल है तो वो लिथियम बाइकार्बोनेट है। अरे हमने एरो गलत लगा दिया, ये हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉल्युबिलिटी लिखना है। तो यहाँ पे हमारा एरो हो जाएगा ऐसे, लिथियम बाइकार्बोनेट लेस सॉल्युबल देन सोडियम, ये लेस सॉल्युबल देन पोटेशियम, एंड दिस वन इज लेस सॉल्युबल देन रुबिडियम आरबी, एंड दिस वन इज लेस सॉल्युबल देन, ठीक है। तो मोर सॉल्युबल कौन हो गया? ये, और सबसे कम सॉल्युबल हो गया ये लिथियम, यानी कि ये मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल, ठीक है। आई बात सुन रहे हो? तो सॉल्युबिलिटी नीचे जाकर के कम हो जाती है, तो उसके पीछे रीजन है कि लैटिस इंथैल्पी कम होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है, ठीक है। अब एक चीज और बताते हैं जो कि कहीं बुक में होगा कि नहीं, उसको नोट करोगे तुम लोग। एक होता है फ्यूजन मिक्सचर, फ्यूजन मिक्सचर, हाँ बोलो, हाँ बोलो। अरे भाई सिंपल सी बात है, अगर कोई की कोई चीज, अगर सपोज करो कि हमने यहाँ वाटर लिया, ठीक है, इसमें हमने सोडियम बाइकार्बोनेट डाल दिया Na2CO3, ठीक है। अब ये दो पार्ट में टूट गया Na+ SCO3- में, ठीक है। अगर अब ये स्टेबल होता तो
टूटता नहीं, नीचे जाके बैठ जाता है, जैसे सैंड नीचे जाके बैठ जाता है, सॉयल नीचे जाके बैठ जाता है, तो वो जाकर के बैठ जाता है। लेकिन कभी देखा है खाने वाला जो सोडा होता है वो पानी के अंदर क्या होता है, वो डिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, वो डिजॉल्व हो जाता है, आई बात समझ में। लेकिन अगर यहीं पे हम लिथियम डाल देंगे, लिथियम बाइकार्बोनेट, तो ये लिथियम बाइकार्बोनेट इसके अंदर नहीं घुलेगा। क्यों नहीं घुलेगा? क्योंकि स्टेबल है, उसके बीच का जो बॉन्ड है बहुत स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से। ठीक है, आई बात समझ में। बोलो, स्टेबिलिटी और सॉल्युबिलिटी का रिलेशन समझ आया? बोलो। हाँ ओके, देखो एक होता है फ्यूजन मिक्सचर। हाँ, जरा स्टेबिलिटी समझ आ गई। एक होता है फ्यूजन मिक्सचर। फ्यूजन मिक्सचर में कौन होता है? फ्यूजन मिक्सचर में हमारा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, Na2, CO3 और K2CO3 के मिक्सचर को हम लोग फ्यूजन मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पेपर में पूछ देता है विच वन इज नोन एज फ्यूजन मिक्सचर, चार ऑप्शन दे देगा, बस हो जाएगा काम। ठीक है, और एक होता है पर्ल एस। ठीक है, पर्ल एस किसको कहा जाता है, किस कार्बोनेट को पर्ल एस के नाम से जानते हैं? किस कार्बोनेट को हम लोग पर्ल एस के नाम से जानते हैं? ऐसे एग्जाम में पूछ देता है विच वन इज नोन एज पर्ल एस। ठीक है, तो पोटेशियम कार्बोनेट होता है ये, तो अच्छे से इसको नोट कर लो। तो ये हो गया हमारा फ्यूजन मिक्सचर और ये हो गया पर्ल एस। ठीक है, इस चीज को नोट कर लेना तुम लोग। नेक्स्ट हम आते हैं नेचर ऑफ नाइट्रेट्स। अगला है हमारा नेचर ऑफ नाइट्रेट्स। ठीक है, नाइट्रेट्स का नेचर क्या होता है यहाँ पे, ये हम लोग देखेंगे। लिथियम नाइट्रेट जो होता है LiNO3, ऑन हीटिंग गिव्स लिथियम ऑक्साइड एंड NO2। ओके, और बाकी के जो अल्कली मेटल नाइट्रेट है, अदर अल्कली अल्कली मेटल नाइट्रेट नाइट्रेट्स गिव नाइट्राइड्स ओनली। ठीक है, गिव नाइट्राइड्स एंड ओ टू ऑक्सीजन। ठीक है, कहने का मतलब यहां पे क्या है, कहने का मतलब है कि एक इकलौता लिथियम नाइट्रेट है जिसका बिहेवियर ऐसा है जो लिथियम ऑक्साइड और NO2 देता है, यानी कि लिथियम नाइट्रेट ऑक्सीजन का सोर्स नहीं है, ऑक्सीजन का सोर्स नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम लिथियम नाइट्रेट को अगर हीट करते हैं तो ये लिथियम ऑक्साइड बनाएगा, NO2 बना देगा। लेकिन अगर इसकी जगह पे हम सोडियम नाइट्रेट को अगर हीट करते हैं, ठीक है, तो ये NaNO2 बना लेगा, नाइट्राइड बना लेगा और ऑक्सीजन देगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो नाइट्रेट अल्कली मेटल नाइट्रेट है, एक्सेप्ट लिथियम नाइट्रेट, एक्सेप्ट लिथियम नाइट्रेट,
सब क्या है, गुड सोर्स ऑफ ऑक्सीजन है, अच्छे से हमें ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लिया। अब इसमें हम दो चीजें और बताएंगे, जो कंपाउंड नाइट्रोजन का अच्छा सोर्स होता है, यानी जिस कंपाउंड में नाइट्रोजन बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलते हैं, और जिस कंपाउंड को हम एज ए नाइट्रोजन फर्टिलाइजर के रूप में यूज कर सकते हैं, उसको हम साल्ट पेटर बोलते हैं। उसे क्या कहते हैं, कंपाउंड इन उस कंपाउंड हैविंग गुड सोर्स ऑफ नाइट्रोजन आर नोन एज साल्ट पेटर, साल्ट पेटर। अब इसमें इसमें एक है इंडियन साल्ट पेटर और एक है चिली साल्ट पेटर, जिसमें से हम NaNO3 को, इसको हम चिली साल्ट पेटर कहते हैं। ये मिर्च वाला मत समझ लेना, और नहीं, वो नहीं, जो कंट्री चिली है, और ये यहाँ पे इंडियन साल्ट पेटर कहते हैं। इंडियन साल्ट पेटर ये भी कंपटीशन वगैरह में भी पूछ देता है, इसको नोट कर लोगे। इसमें ही बना रही है, नहीं तो इसी के लग रहा है, मर्चा लग रहा है। ठीक है, हो गया ये। अब देखते हैं नेचर ऑफ सल्फेट्स। नहीं, ये कुछ ज्यादा ही अच्छे सोर्स है। हाँ, वो तो एक तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया ना, एल्कली मेटल कार्बोनेट तो है नहीं, अरे नाइट्रेट तो है नहीं। नेचर ऑफ सल्फेट, ठीक है, सल्फेट्स का क्या नेचर है? लिथियम जो सल्फेट है वो इनसॉल्युबल इन वाटर है, बाकी के जितने भी सल्फेट है वो सॉल्युबल होते हैं इन वाटर। लिथियम सल्फेट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, वेयर एज अदर अल्कली मेटल सल्फेट्स आर सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर। ओके, केवल लिथियम सल्फेट जो है सॉल्युबल नहीं है, बाकी सबके सब क्या है, सॉल्युबल है। ठीक है, और एक हमारा सल्फेट है सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट H2O, सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट, इसको हम ब्लॉबर साल्ट कहते हैं।
साल्ट, ठीक है, इसको ग्लाबर साल्ट बोलते हैं। ये भी कभी कभी पूछ देता है कि विच व्हाट इज द फार्मूला ऑफ ग्लाबर साल्ट, या आप कभी कभी पूछ देगा व्हाट इज अदर नेम ऑफ द सोडियम सल्फेट, ऐसे भी कभी कभी पूछ देता है। ठीक है, हर तरह से हम तुम्हें बताते चल रहे हैं कि क्या कैसे पूछ सकता है। और जिस दिन ये एबिलिटी आ गई कि हम एक लाइन से क्वेश्चन बना ले, तो समझ लो कि कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, चाहे वो कंपटीशन हो चाहे स्कूल हो। चलो हम इसको रेज करते हैं। अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं एनोमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम। एनोमेलस, एनोमेलस बिहेवियर ऑफ, बिहेवियर सही है, बिहेवियर ऑफ लिथियम। लिथियम अपने पूरे परिवार में, देखो ऐसे तो पूरी पीरियाडिक टेबल में देखोगे जो फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप है, ठीक है, उसकी उसकी जो है कि प्रॉपर्टी एकदम डिफरेंट है। भाई वैसे ही होता है जैसे हमारे घर में कल एक बच्चा पैदा हो जाए, या घर का जो सबसे छोटा बच्चा हो उसके में और जितने बड़े लोग हैं उनके में बहुत फर्क होता है, होता है कि नहीं? अगर घर में एक छोटा बच्चा है तो उसके में और बड़ों में बहुत फर्क होता है, होता है कि नहीं? बोलो क्या फर्क होता है, क्या फर्क होता है? लोग उस बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, और अगर कोई कुछ बोल दे, अरे बच्चा है क्यों बोल रहे हो, क्यों मार रहे हो, है ना, बच्चा है ये क्यों कर रहे हो, बच्चा है वो क्यों कर रहे हो, है ना, बच्चा है डर जाएगा, बच्चा है ये है बच्चा, मतलब उस बच्चे को एकदम आइसोलेट कर देते हैं एकदम से, ठीक है। तो ऐसे ही पीरियोडिक टेबल में हम देखेंगे कि सेकेंड पीरियड के जितने भी पहले एलिमेंट है सब में एक एबनॉर्मल बिहेवियर वहां पे मिलेगा, वो अपने परिवार के सदस्यों से अलग बिहेवियर शो करते हैं। फिर उसके पीछे रीजन भी एक ही है कि जब भी हम डाउन द ग्रुप जैसे जैसे जाते हैं, साइज बढ़ता जाता है और जो है कि ऑर्बिटल्स अवेलेबल होते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल्स होते हैं, तो इसकी वजह से वहां प्रॉपर्टी में चेंज आता है। वैसे जैसे कि अगर एक छोटा बच्चा है, उससे बड़ा बच्चा है, उससे बड़ा बच्चा है, बड़े होते जाते तो उनके अंदर की स्ट्रेंथ, उनके अंदर की एबिलिटी, सारी चीज बदलती जाती है इन कंपेरिजन टू छोटे बच्चे के। तो वैसे ही जो सबसे छोटा है वो परिवार में सबसे अलग है, वैसे लिथियम भी क्या है अपने फैमिली में, चाहे मैग्नीशियम को ले लो वो भी अपने फैमिली में, या बेरिलियम, सॉरी बेरिलियम को ले लो, बोरान को ले लो, कार्बन को ले लो, नाइट्रोजन को ले लो, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये सभी अपने फैमिली में एक डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं, ठीक है। और उन सारे के डिफरेंट बिहेवियर के पीछे रीजन भी एक ही है, एक तो स्मॉलेस्ट साइज का होना, फिर एक दूसरा रीजन हम गिना सकते हैं कि वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल ना होना, ठीक है, और इसके अलावा जो है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है इनकी सबसे ज्यादा है। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, इनकी सबसे ज्यादा होती है अपने ग्रुप में। तो इन तीन प्रॉपर्टी की वजह से ये अपने परिवार में क्या होते हैं, डिफरेंट दिखाई देते हैं। आई बात समझ में? तो लिथियम क्या है, स्मॉलेस्ट इन ग्रुप, स्मॉलेस्ट इन ग्रुप, पहला है एबनॉर्मल स्मॉलेस्ट इन ग्रुप इन साइज, दूसरा इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं, या हाँ एब्सेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल और तीसरा है हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी।
ठीक है। एंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी एंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ठीक है, दीज आर द एबनॉर्मल बिहेवियर, दीज आर एब, यहाँ पे स्पेलिंग लगा तो भाई तुम बोल नहीं रहे हो, एबनॉर्मल, एबनॉर्मल प्रॉपर्टी ठीक है ना, दीज आर द एबनॉर्मल प्रॉपर्टी। अब इस एबनॉर्मल प्रॉपर्टी के कारण जितनी भी चीजें हमने बताया कि लिथियम नाइट्रेट गर्म करेंगे तो वो NO2 देगा, गर्म करेंगे तो जो है कि वो कार्बोनेट नहीं देता है ठीक है। तो ये जो जितनी भी प्रॉपर्टी हम बताएं कि लिथियम अपने फैमिली से डिफरेंट प्रॉपर्टी शो कर रहा है, तो उसके पीछे ये तीन रीजन है और यही तीन रीजन देखोगे सारे ग्रुप में मिलेंगे तुम्हें। सारे ग्रुप के जो पहले एलिमेंट अगर एनामलस बिहेवियर शो कर रहे हैं तो उसके पीछे यही तीन रीजन है, तो कोई चीज इसमें रटने वाला नहीं है कि हम लिथियम के लिए अलग से याद करेंगे और सबके लिए अलग से ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।